नमस्कार दोस्तों वेलकम टू तो आवर यूट्यूब चैनल जेम्सटेक इंडिया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी पी एम टी पी एम फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सो हम आज जानेंगे कि टी पी एम होता क्या है हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है ये आज हम जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से सो टीपीएम टी पी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आ, मेरे चैनल पे इस स्लाइड में दिखाए गए सारे टॉपिक्स पे वीडियो अवेलेबल है सो so, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स का वीडियो अवेलेबल हो जाए आसानी से आप इसको पढ़ सकें आप इससे फ़ायदा उठा सकें सो so, ये जानते हैं वाट इज़ टी सो टी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन सेफ्टी एंड क्वालिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ मशीन इक्विपमेंट प्रोसेस एंड इम्प्लाइज हम टी में क्या करते हैं हमारे मशीन का हमारे इक्विपमेंट का हमारे प्रोसेस का मेंटेनेंस करते हैं मेंटेन करते हैं सो so, इससे क्या फ़ायदा होगा इससे फ़ायदा होगा हमारे हमारा जो कंसिस्टेंसी मिलेगा हमें हमें निरंतर सुधार में हम रहेगा हमारा सिस्टम हमारा प्रोसेस और इससे जो फ़ायदा होगा प्रोडक्शन और सेफ्टी और क्वालिटी इन तीनों में फ़ायदा होगा हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हम निकाल सकते हैं हमारा मशीन हमारा मैन पावर हमारा इक्विपमेंट सेफ़ रहेगा और वो अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टी पी एम सो टी पी एम का क्या ऑब्जेक्टिव है सो टी पी एम ऑब्जेक्टिव इज टू कल्चर चेंज फ्रॉम डिटेक्शन टू प्रिवेंशन हम टी में क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ मीन्स हमारा प्रोडक्शन हो क्वालिटी हो मेंटेनेंस हो आ, उसमें हम जो डिटेक्शन मोड में रहते हैं हमारा मशीन हो हमारा मैन पावर हो जिसमें हम डिटेक्शन मोड में रहते हैं सो डिटेक्शन से प्रिवेंशन में लाने में ये फ़ायदा करता है मीन्स हमें कोई गलती हो जाने के बाद उसको पकड़ना दैट इज डिटेक्शन प्रिवेंशन मीन्स वो गलती को होने ही नहीं देना सो so, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन सो so, हम टी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटेक्शन से प्रिवेंशन में लेके जाना चीज़ों को गलती हुआ नहीं है गलती होने की संभावना हो हम उसको उससे पहले आइडेंटिफाई करके और करेक्ट कर ले, ये हमारा टी का ऑब्जेक्टिव है वाई टी क्यों चाहिए सो so, टी का जो फ़ायदा है वो है टू अचीव ज़ीरो एक्सीडेंट जीरो डिफेक्ट एंड जीरो फेलवर हमारे मशीन uh, में हमारे प्रोसेस में जीरो एक्सीडेंट हो जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो और कोई फेलवर ना हो सो so, इसका ये बेनिफिट है हम इसके लिए करते हैं टी पी एम बेनिफिट्स ऑफ टी पी एम ओवरऑल जो बेनिफिट है वो क्या होगा टी पी एम का सो मैक्सिमाइज़ द लाइफ प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन इक्विपमेंट एंड पीपल हमारा जो मशीन है इक्विपमेंट है और पीपल है इनका लाइफ और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा इससे ये बेनिफिट होने वाला है टी पी एम से सो टी पी एम का आठ पिलर होता है टी पी एम पिलर्स सो so, uh, सबसे पहला जो पिलर है वो है फोकस्ड इम्प्रूवमेंट सेकेंड पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। थर्ड पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। फोर्थ पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फिफ्थ पिलर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट नेक्स्ट पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस नेक्स्ट है सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट एंड लास्ट वन है टी पी एम इन द ऑफिस सो इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में जानेंगे डिटेल्स में कि ये पूरा जो पिलर है वो कैसे वर्क करता है सो so, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये स्लाइड uh, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि टी के अलग अलग नाम है टी के जो पिलर्स हैं उसके अलग अलग नाम हैं आपको नाम के आगे कंफ्यूज नहीं होना है जैसे कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस को अभी भी ऑटोनोमस मेंटेनेंस बोला जाता है फोकस्ड इम्प्रूवमेंट पहले था जिसको भी हम जिसको कि हम अभी प्रोसेस एंड मशीन इम्प्रूवमेंट बोलते हैं एंड प्लांट मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट को अर्ली इक् अर्ली इक्विपमेंट ऑफ अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट बोलते हैं एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोलते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टी पी एम को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं एंड सेफ्टी हेल्थ इन्वामेंट कंडीशंस को सेफ्टी एंड सस्टेंस सक्सेस बोलते हैं सो so, ये कुछ बेसिक डिफरेंस uh, है कुछ पुराने नाम जो थे अभी उसको थोड़ा नाम को मॉडिफाई करके बताया गया है सो so, आइए हम जानते हैं वन बाई वन हर पिलर के बारे में कि वो पिलर uh, है क्या एंड uh, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं उसके अंदर हमें काम क्या करना पड़ता है और उसका बेनिफिट क्या है सो so, हम स्टार्ट करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस से सो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का डिफिनीसन है और ऑपरेटर्स मोनिटर द कंडीशंस ऑफ दियर ऑन इक्विपमेंट एंड वर्क एरिया ऑपरेटर क्या करेगा अपने ऑन इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट वो यूज कर रहा है जो इक्विपमेंट वो चला रहा है उस इक्विपमेंट को उस इक्विपमेंट के कंडीशंस को वो चेक करेगा या उस जिस वर्क एरिया में वो काम कर रहा है उस वर्क एरिया को मॉनिटर करेगा उसके कंडीशंस को मॉनिटर करेगा इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं चेक uh, चेकशीट उसको बोलते हैं प्रोसेस वेरिफिकेशन इन अर्ली शिफ्ट हम प्रोसेस वेरिफिकेशन करते हैं हम शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हमारे इक्विपमेंट के हम uh, हमारे इक्विपमेंट का और वर्क एरिया का हम कंडीशंस चेक करते हैं कि हमारा वर्क एरिया सही है या नहीं है जैसे कि क्या क्या चेक करते हैं सो वाटर लेवल इन मशीन मशीन में वाटर लेवल कितना है कुलेंट इन मशीन हमारे मशीन uh, में कुलेंट कितना है एयर प्रेशर सही है या नहीं है टूल का कंडीशन अभी सही है या नहीं है ये सारा चीज़ हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंदर में करते हैं प्रोसेस वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो ये सारा एक्टिविटी चेक करते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा सो so, बेनिफिट होगा इसका इम्प्रूव ओ जो ओ है वो इम्प्रूव इम्प्रूव हो जाएगा ओ का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़िशेंसी इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप मेरे चैनल पे जाके और इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं कि वो क्या होता है इसका कैलकुलेशन मेथड्स क्या हैं दूसरा बेनिफिट क्या है रिड्यूस स्पेयर लॉसेस स्पेयर का जो लॉस है स्पेयर हम हमारा जो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एंड नेक्स्ट क्या है इम्प्रूव इम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड स्किल इससे क्या होगा हमारे इम्प्लाई का स्किल जो है इम्प्रूव होगा और वो इंगेज रहेंगे मशीन के साथ में नेक्स्ट पिलर है प्रोसेस एंड मशीन इम्प्रूवमेंट सो इसका डिफिनेशन क्या है टीम लीडर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिफाई द लॉसेस देन प्रोरटाइज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट क्या करेगा जो टीम लीडर है लाइन का वो अपने ऑपरेटर से वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसके लॉसेस को आइडेंटिफाई करेगा उसके बिहाफ़ पे वो अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है और जो इसको इम्प्रूमेंट करना है उस मशीन में उस इक्विपमेंट में वो प्लान कर सकेगा सो इसके कुछ एग्जांपल्स है मशीन इम्प्रूवमेंट सजेशन हम सजेशन मांगते हैं हमारा जो ऑपरेटर होता है या जो डाउनलाइन वर्कर्स हैं उनसे हम मांगते हैं हमारे इम्प्रूमेंट्स मशीन के लिए कि हम कैसे मशीन में इम्प्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई द मशीन प्रॉब्लम मशीन के प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड गेटिंग आइडिया फॉर काइजन और हम क्या क्या इसमें काइजन कर सकते हैं उसके लिए हम आइडिया लेते हैं किससे आइडिया लेते हैं सो so, ऑपरेटर से और डाउनलाइन वर्कर से उसके बिहा पे हम हमारे मशीन को हमारे इक्विपमेंट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करते हैं सो so, इसका बेनिफिट क्या है सो so, बेनिफिट होगा इम्प्रूव एफिशिएंसी हमारा इफ़िशियंसी जो है बढ़ जाएगा हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं हमारे मशीन से रिड्यूस डिफेक्ट हमारा डिफेक्ट कम हो जाएगा बहुत कम हम डिफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट था बिना टीपीएम का और आफ्टर टीपीएम वो बहुत चेंज हो जाएगा हम बहुत कम कॉस्ट में मेंटेनेंस कर पाएंगे मेंटेन रख पाएंगे हमारे मशीन को हमारे इक्विपमेंट को नेक्स्ट पिलर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो इसका डिफिनेशन क्या है डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज पर टास्क एंड शेड्यूल्स आर सेयर्ड बाई ऑपरेटर्स एंड टीम लीडर्स इट इज़ एम टू हैव ट्रवल फ्री मशीन्स इसका एम जो है वो क्या है कि ट्रवल फ्री मशीन हमें मिल सके हमारे मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो क्या करना है इसमें हमें जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है वो किसके बिहार पे करना है जो शेड्यूल शेयर किया गया है ऑपरेटर के द्वारा या टीम लीडर के द्वारा उसके बिहार पे हमें हमारे मशीन का मेंटेनेंस करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है अपनी मर्जी से मेंटेनेंस टीम आकर के कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए उसके पास जो शेड्यूल में लिखा गया है कि इस दिन इस डेट में ये ये मेंटेनेंस आपको करना है तो आपको वही एक्टिविटी आपको उस पर करना है उस मशीन पर जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है सेंसर रिपेयर नेक्स्ट है स्पिंडल रिपेयर फिर वायर रिपेयर फिक्सर रिपेयर ये सारे रिपेयरिंग हम जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसमें हम करेंगे जो हमें दिया गया है शेड्यूल उसके हिसाब से करेंगे इससे ज़्यादा भी हो सकता है जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इतना ही इतना करना है और इससे और भी ज़्यादा हम बेसिकली करते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा सो सस्टेन एवलेबिलिटी ऑफ मशीन हमारे पास मशीन यूज़ के लिए हमेशा एवेलेबल रहेगा अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम पे करेंगे और जो शेड्यूल बना के दिया गया जो जो प्रॉब्लम्स बताया गया है टीम लीडर और ऑपरेटर के द्वारा अगर हम वो करेंगे तो क्या होगा हमारा मशीन हमेशा अवेलेबल रहेगा प्रोडक्शन निकालने के लिए एंड टू अचीव जीरो ब्रेकडाउन हमारा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर हम अच्छे से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो नेक्स्ट so, है अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट सो इसका डिफिनीसन है दिस पिलर एम टू इम्प्लीमेंट्स प्रीवियस लेसन लर्न इन न्यूली एडेड प्रोसेस एंड मशीन इस पिलर जो अर्ली मैनेजमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट है इसका जो डिफिनीशन uh, ये है कि हमारा जो प्रीवियसली लेसन लर्न हुआ है जो पहले इंस्टॉल इंस्टॉल uh, हमने किया हुआ है मशीन या हमारे पास अभी पहले से जो मशीन है उसमें जो लेसन लर्न है उस लेसन लर्न को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई नया मशीन या नया प्रोसेस आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो पुराने से लेसन लर्न हुआ है हम यहाँ पे पहले से उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा हमारे हमारा जो मशीन है वो ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होगा जैसे एग्जाम्पल प्रीवियस मेंटेनेंस रिपोर्ट जो प्रीवियसली मेंटेनेंस रिपोर्ट है हमारे पास उसका हम हेल्प लेंगे इसमें ये इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बाद हम क्या करेंगे प्रीवियस ब्रेकडाउन लेसन लर्न हमारे पास जो प्रीवियस ब्रेकडाउन uh, के लेसन लर्न है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड मशीन हिस्ट्री सीट हमारे पास हर मशीन का एक हिस्ट्री सीट होता है हम उसको रिफ़र करेंगे कि ये सारा अगर रिफ़र करके हम न्यूली एडेड प्रोसेस और मशीन में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को तो उसमें क्या फ़ायदा होगा बेनिफिट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम हमारे हमारे मशीन को हमारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलप करने के लिए कम टाइम लगेगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से आइडेंटिफाइड है प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम ये है ये सारे प्रॉब्लम का हम पहले से उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बहुत कम होने वाला है नेक्स्ट है प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट सो प्रोसेस क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या डिफिनीसन है शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इनक्रेज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आइडिया फ्राम ऑल वर्क एरिया आपको हर वर्क एरिए से आपको इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ लेने हैं कि हमारे मशीन का हमारे प्रोसेस में क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑपरेशन ये मेंटेनेंस ये बंदा करेगा एक पर्टिकुलर मशीन है जो पर्टिकुलर एरिया का बंदा जो है वही इसका मेंटेनेंस करेगा और उससे हम आइडिया लेंगे कि हम और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जैसे कि माई मशीन माई मेंटेनेंस मेरा ये मशीन है मैं इस मशीन पे काम करता हूँ मुझे ही ये मेंटेन रखना है इसका मेंटेनेंस मुझे ही करना है अगर मैं मेंटेनेंस रखूँगा इस मशीन को मैं अपना मशीन समझूंगा तो क्या होगा प्रॉब्लम बहुत कम होने वाला है जो बेनिफिट है नीचे वो बताया गया है कि हेल्दी मशीन ऑलवेज आपका मशीन जो है ऑलवेज हेल्दी रहेगा अगर आप ऐसा समझेंगे तो दूसरा बेनिफिट होने वाला है रिड्यूस इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपका मशीन अच्छा है आप उस मशीन पे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनेगा एंड नेक्स्ट है प्रिवेंट द डिफेक्ट एट सोर्स जो डिफेक्ट आने वाला है उसको हम सोर्स से ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सो so, ओवरऑल क्या बेनिफिट होने वाला है सो ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है रिड्यूस कस्टमर कंप्लेन हमारा जो कस्टमर कंप्लेन है वो बहुत कम हो जाएगा छठा पिलर है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफिस टीपीएम। सो मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजमेंट शुड प्रोटाइज एंड एनालाइज द डेटा फ्रॉम द ऑल पिलर्स एंड प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द फंक्शंस हमें क्या करना है हमारे जो मैनेजर्स हैं हमारे जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं उनको हमारे पास जो डेटा है टीपीएम के जितने भी पिलर्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को एनालाइज़ करना है उस डेटा को समझना है उसके भी यहाँ पे जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमें चाहिए मेन्टेनेस करने के लिए वो टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है जैसे एग्जाम्पल वर्क ऑर्डर मॉनिटरिंग, वर्क ऑर्डर कैसे बनाना है कौन कौन सा वर्क हमें कब करना है कौन कौन सा मेंटेनेंस हमें कब करना है वो हमें प्रायोरिटाइज टॉप मैनेजमेंट करेगा नेक्स्ट है फाइंडिंग टॉप प्रॉब्लम्स टॉप प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारे टॉप फ़ाइव प्रॉब्लम टॉप टेन प्रॉब्लम बोटल नेक प्रॉब्लम ये सारे जो प्रॉब्लम्स है हम वहाँ पे टॉप uh, मैनेजमेंट हमारा जो डेटा है उसके भी एनालिसिस करके निकालेगा कि क्या क्या हमारा टॉप प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है उसके बाद आइडेंटिफाई रेड लेवल मशीन एंड प्रोसेस हमारा रेड लेवल की कौन सा मशीन या कौन सा प्रोसेस बहुत ही खराब चल रहा है जिसमें कि इमिडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है इमिडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है सो हम जब तक ये डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ों की हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा इसका बेनिफिट क्या होगा इक्वलाइजिंग द वर्क लोड वर्क लोड आप इक्वली बराबर बराबर हर मशीन पे या हर एम्प्लॉय uh, को दे सकें इससे यह पता चलेगा और इसमें मदद मिलेगा आपको इक्वलाइजिंग uh, लोड uh, देने में एंड बेटर यूटिलाइजेशन यूटिलाइज वर्क एरिया हमारा जो वर्क एरिया है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं सातवां पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एम्स टू डेवलप मल्टीटास्क एम्प्लॉयज़ टू एड्रेस द मोर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द रूट काउज हमें हमारे जो मैन पावर है हमें हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमेशा देते ही रहना है इसका क्या बेनिफिट होगा हम हमारा जो मैन पावर है हमारा जो एम्प्लॉय है वो स्किल्ड होगा स्किल्ड एम्प्लॉय होगा उसके पास स्किल ज़्यादा रहेगा टू एड्रेस इसका फ़ायदा क्या होगा वो जो एम्प्लॉ है वो मोर प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स हमारा लाइन uh, पे आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा एड्रेस करेगा सही करेगा एंड उसके रूट काउ भी आइडेंटिफाई करके आपको देगा कि इसका रूट काउज क्या है इस प्रॉब्लम का रूट काउज क्या है तो जब तक आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नहीं देंगे तो ये सब बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है इसका एग्जाम्पल क्या करना है ऑन जॉब ट्रेनिंग देना है फिर एडवांस लेवल ट्रेनिंग देना है जो ओ ट्रेनिंग होता है ओ ट्रेनिंग आपको देना है जो बेसिक ट्रेनिंग से एक लेवल अप होता है इशू स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जैसे कि कोई प्रॉब्लम है एक सिर्फ उस प्रॉब्लम को लेकर के ट्रेनिंग देना है कि इस प्रॉब्लम अगर सेम प्रॉब्लम आया तो आपको कैसे जैसे ब्रेकडाउन में ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो ऑयल कंजम्पशन के लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देना है कि अगर ऑयल कंजम्पशन किसी भी मशीन में होगा तो आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं कैसे रूट रूटकाउ आइडेंटिफाई करने हैं तो अगर ये सब ट्रेनिंग आप देंगे तो डेफिनेटली आगे आपको नेक्स्ट जब मशीन्स बनेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मशीन आएगा तो आपको बेनिफिट मिलने वाला इसका इसका बेनिफिट क्या है फाइनली सो इम्प्रूव्स मॉरल आपका सबसे पहले तो इंप्लॉय का मॉरल इंप्रूव रहेगा कि मेरे कंपनी में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ट्रेनिंग दिया जाता है एजुकेशन पे फोकस किया जाता है इंक्रीज रिटेंशन आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा एंड इंक्रीज इफिशियंसी है आपका जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा एंड लास्ट पिन लास्ट पिलर है सेफ्टी एंड सस्टेंड सक्सेस इसका डेफिनेशन है प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर सेफ्टी आपको आपके सेफ्टी के लिए जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको आपके आपके कंपनी का जो गोल है ये होना चाहिए कि सेफ्टी इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स सस्टेंड सक्सेस फॉर टी प्रोग्रेस अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप अगर काम करेंगे सो आपका जो पूरा टी का पिलर है वो कंटिन्यूसली सस्टेंड वे में काम करेगा इसका एग्जाम्पल है sensors, uh, जादा से जादा यूज सेफ्टी सेंसर्स आपको सेफ्टी सेंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है मैंडेटरी यूज़ ऑफ पी जो भी जिस मशीन पे uh, काम कर रहा जिस ऑपरेशन के लिए जो जो पी पीज़ चाहिए वो आपको पी अवेलेबल करवाने पड़ेंगे वो पी यूज़ करके ही काम करने हैं इसका बेनिफिट क्या होगा जीरो एक्सीडेंट आपका एक्सीडेंट नहीं होगा जीरो एक्सीडेंट होगा आपके सॉफ्ट फ्लोर पर जीरो हेल्प हेल्थ हजार्ड uh, किसी की uh, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा कोई बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा इसका बेनिफिट होने वाला है जीरो फायर फायर के कोई चांसेस नहीं होगा एंड फील सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट आपके एम्प्लॉय में एक एक अलग सा वैल्यू क्रिएट हुआ कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो सेफली सेफ वर्क प्लेस है हम यहाँ पे सेफली काम कर सकते हैं सो so, सेफ्टी हमें हमारे हर चीज़ में सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी रखना है तो टी पी का बेनिफिट्स uh, क्या क्या है इम्प्रूव क्वालिटी आपका क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का तो बढ़ जाएगा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा रिड्यूस कॉस्ट आपका जो कॉस्ट है फाइनल uh, प्रोडक्ट का वो डेफिनेटली रिड्यूस होने वाला है ऑन टाइम डिलीवरी आपका डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम होगा क्योंकि आपका मशीन ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा आपका मशीन जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आप डिलीवरी टाइम से कर सकते हैं एंड इम्प्रूव मोरल आपका जो इम्प्लॉय का मोरल है वो बढ़ेगा एंड फाइनली इम्प्रूव सेफ्टी आपके ओवरऑल प्लांट का आपके मशीन का आपके एम्प्लॉय का आपके सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगा सो थैंक यू दोस्तों ये पूरा टी पी एम का आर्ट फिलर एंड उसका डिस्क्रिप्शन और उसके बेनिफिट्स थे सो so, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन जेम्सटेक इंडिया एट जी मेल डॉट कॉम पर शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप सारे जो भी क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों कुल के साथ में शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके तो थैंक यू दोस्तों अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे पर्सनल टॉपिक्स पे पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जेम्सटेक इंडिया एट जी मेल डॉट कॉम पर मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा और इसमें हम आगे मदद कर पाएंगे ओके थैंक यू